जयपुर जिले में भगवान महादेव के कई प्रमुख मंदिर हैं और सभी मंदिरों की अपनी अपनी अद्भुत कहानी है। आमेर की पहाड़ी पर स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव का मंदिर की भी अपनी एक अलग ही अनोखी कहानी है। इस मंदिर पर महाशिवरात्रि के दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भक्तों की भीड़ जल चढ़ाने के लिए उमड़ी रहती है। मैं इस समय हूँ जयपुर की राजधानी से 25 किलोमीटर दूर आमेर में। आमेर में ये जो मेरे पीछे मंदिर है ये भूतेश्वर महादेव का है। यहाँ मैं आया हुआ हूँ सावन में। यहाँ पर बहुत ही बड़ी भीड़ होती है, तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। भले ही शाम का समय हो गया लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पर चर्चा करते हैं, समझते हैं कि मंदिर में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और इनको क्या आस्था लगती है। यहाँ पर मंदिर में कैसी श्रद्धा है, किस तरह की बातें आपको समझ में आती हैं, क्या पाते हैं यहाँ पर, और इस भूतेश्वर महादेव में रेगुलर आ पाते हैं, कभी कभी आया करते हैं? हम लगभग लगभग रोज आते हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। क्या जानकारी में कितना पुराना बताया जाता है ये? अब ये तो हमारे पुराने लोग बोलते थे कि बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन आप लोग भी होंगे हाँ। तो ये देखिए ये पुराने हैं, यहाँ पर कुछ लोग पहली बार भी आए हुए हैं। आपको कैसे पता चला कि इस मंदिर में दर्शन करने जाना है? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम विद्याधर नगर से आए, वैसे रहने वाला मैं भरतपुर हूँ। हाँ, तो दोस्त वगैरह लेके आए मेरे को यहाँ दर्शन करने। तो कैसे पता चला कि इस मंदिर के बारे में कि भूतेश्वर महादेव मंदिर है और जाना चाहिए? यहाँ के गांव वालों से पूछते पूछते आए। ये जो दो लोग मिले इन्होंने बताया कि इन्हें जानकारी मिली मंदिर, चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाएंगे कि महादेव के मंदिर में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे। चलते हैं सीधे मंदिर में। जानकार बताते हैं कि आमेर की पहाड़ी पर बसे इस मंदिर की चर्चा हमेशा रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर पर जो कुछ भी मांगा जाता है उसे यहाँ के भूतेश्वर नाथ महादेव पूरा कर देते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मैं इस समय मंदिर में आ चुका हूँ और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं सोनू महाराज। उनसे समझते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है और कितने सालों से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पर जो जयपुर के बाहर भी लोग आते हैं उनके बारे में। महाराज जी, ये जो मंदिर है भूतेश्वर महादेव का, ये कितना पुराना है? कैसे जो जानकारी जाना चाहें जो बाहर बैठे लोग हैं उन्हें अगर पता चले कि भूतेश्वर महादेव का कितना पुराना मंदिर है? ये कम से कम भी 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पहले के ज़माने में भूत रहा करते थे, भूत थे। हमारी खुद की पीढ़ी यहाँ पर 13 पीढ़ी हो गई यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए। तो आप कितने सालों से, आपकी जो पीढ़ियाँ हैं? हमारी कम से कम 13 पीढ़ी हो गई। अच्छा, यहाँ पर तो कम से कम भी तो 400-500 साल तो हम ही कर रहे हैं पूजा सेवा। इस मंदिर के बारे में खास विशेषता क्या है? जैसे हर मंदिर के बारे में एक बात होती है कि कोई चमत्कारी होता है, कोई अलग अलग तरीके से होता है। आप कह रहे हैं इस मंदिर में भूतों वो पहले थे भूत, तो जब ये मंदिर में ऐसे बताते हैं भाई अंदर की ये जो गेट है ना, पहले जब यहाँ पे इंसान नहीं रहता था, ये जब मंदिर बना था उस टाइम इंसान नहीं रहता था, यहाँ भूत करते थे पूजा। इस साइड में गुरु महाराज की धूनी है, तो वो गुरु आए थे गिरनार से, वो उनको आने के बाद में फिर यहाँ पर इंसान रुकने लगा है। तो यहाँ पे विशेष ये होता है कि जो गुरु महाराज भी जो मांगते हैं ना आपको, जैसे कि किसी की गोद भरना, ये एक चमत्कारी है, किसी का काम, मतलब जो मांगते हैं ना वो यहाँ जरूर पूर्ण होता है। इस मंदिर के बारे में आपका कहना है कि ये चमत्कारी है, जो मांग लिया जाता है एक बार पूरी हो जाती है। ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सावन के अलावा किन किन दिनों पर यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, कब कब ज़्यादा लोग आते हैं? जैसे परदोस हुआ, संडे हुआ, सोमवार हुआ, करीब करीब अब तो कैसे मान लो जैसे संडे को ज़्यादा रहता है, सोमवार और संडे को, और परदोस के दिन। आप कह रहे हैं कि प्रदोष रविवार सोमवार को हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है? हाँ। यहाँ जब मैं आ रहा था तो रास्ता बहुत ही दुरू है, बहुत ही सही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पे एक रेतीली तरीके की सड़कें हैं, तो कैसे लोग कहाँ कहाँ से लोग आ जाते होंगे? ये जैसे मान लो ये तो आमे के नारगढ़ बाले पार्क से आते हैं और एक वीके की तरफ से भी आते हैं। बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पर? बड़ी भीड़ रहती है वो जब अब साउंड में तो बहुत नहीं भीड़ देती है कि आदमी यहाँ पे मतलब गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। अच्छा, बहुत विशेष। जो एक मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था की बातें हो रही हैं, प्रशासन कैसा रहता है, प्रशासनिक तौर पर प्रशासन का क्या सहयोग रहता है, सरकारों का क्या सहयोग रहता है मंदिर के लिए? प्रशासन तो देखो जैसे शिवरात्रि को दिन ही आते हैं, बाकी प्रशासन यहाँ पे कोई नहीं आता है। दयाशंकर शर्मा जी पूजा कर रहे हैं, भगवान का स्नान कर रहे हैं शिवलिंग पर, और
इसी तरीके से यहाँ पर दयाशंकर जी कितनी बार महीने में आपका आना हो जाता होगा? मोस्टली महीने में मैं यहाँ पे 2-3 बार आ ही जाता हूँ, और वैसे मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है और हमारी पीढ़ियाँ, मेरे दादा परदादा सभी लोग यहाँ आया करते थे, और तब से इनकी बहुत मान्यता है, बहुत चमत्कारी है, और तभी से हम लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। और इनकी लगभग कई पीढ़ियाँ यहाँ पर पूजा पाठ में लगी हुई हैं। दयाशंकर ने कहा कि वो महीने में लगभग 2 बार आ जाते हैं। इनका कहना है इस मंदिर पर जो भी जो मांगा जाता है यहाँ से उन्हें लगभग लगभग पूर्णतया सफलता मिल जाती है। एबीपी न्यूज के लिए संतोष कुमार पांडे, आमेर।